गुड मॉर्निंग बच्चों, ये क्लास फोर की साइंस। और इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, उसको पहले कर लेते हैं पेज नंबर 54 में, और उसके बाद फिर चेंज ऑफ स्टेट्स, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग फिर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव, अटेंडेंस बनाया कीजिए। आप लोग अटेंडेंस नहीं बनाते हैं, स्कूल खुलेगा ना तो पिटाई करना शुरू करेंगे अटेंडेंस को लेकर ही। All matter is made up of dash. All matter is made up of molecules. All matter is made up of molecules. Second hai, the dash have definite size and definite shape. किसका होता है डिफिनिट साइज या डिफिनिट शेप? सॉलिड का, लिक्विड का या फिर गैस का? तो यहां पर होगा सॉलिड। थर्ड है, द लिक्विड्स कैन डैश और कैन बी पोर्ड इजली। द लिक्विड्स कैन फ्लो, आसानी से बह सकता है। द लिक्विड्स कैन फ्लो एंड इतना ही। द लिक्विड्स कैन फ्लो और कैन बी पोर्ड इजली। थर्ड है, गैसेस डू नॉट हैव डिफिनिट डैश और डिफिनिट शेप। गैसेस डू नॉट हैव डिफिनिट डैश और डिफिनिट डैश, ठीक है। तो यहां पर डैश डैश में क्या बनाएगा? वॉल्यूम और शेप। फाइव है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ डैश स्प्रेड आउट। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस स्प्रेड आउट, ठीक है, तब ना अगरबत्ती की खुशबू हम लोग सूंघ पाते हैं। अगरबत्ती की खुशबू आती है एक रूम से दूसरे रूम में, एक जगह से दूसरी जगह, और उसको सूंघ पाते हैं क्योंकि इसके जो बीच के मॉलिक्यूल एयर है, इसके मॉलिक्यूल जो है वो आसानी से स्प्रेड आउट हो पाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे चेंजेस ऑफ स्टेट्स, स्टेट कैसे चेंज होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। द मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, दे आर इंटरचेंजेबल। ओके, द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर चेंजेस ऑन हीटिंग और कूलिंग। ये जो मैटर चेंज होते हैं ये हीटिंग और कूलिंग की वजह से होते हैं। हीटिंग इंक्रीज द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स,
Thus, on heating, a solid changes into a liquid and a liquid changes into gas. Heating increases the space between the molecules. Heating जो होता है वो space molecules के बीच में जो space होता है उसको increase करता है. ठीक है, इसी प्रकार किसी भी सॉलिड को पहले हम लोग उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं हीट करने के बाद, जैसे कि आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं. ठीक है, फिर उस लिक्विड को फिर हम लोग गैस में भी चेंज कर सकते हैं बहुत ज्यादा हीट करने पर. जैसे वाटर का एग्जांपल ले लीजिए, वाटर को अगर आप हीट करते हो, आइस को अगर आप हीट करते हो तो फिर वो वाटर में चेंज होगा यानी कि लिक्विड में, और जैसे ही आप लिक्विड को फिर हीट करोगे तो वो एवेपोरेट हो जाएगा. ठीक है, भाप बनकर उड़ जाएगा. तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग सॉलिड लिक्विड एंड गैस, इसको कैसे हम लोग चेंज करते हैं. सॉलिड में आप ले लेंगे यहां पे आइस, ठीक है, और फिर यहां पर ले लेंगे आप वाटर, ठीक है, और फिर आप यहां पर ले लेंगे यहां पर आप गैस ले लीजिए, या फिर आप गैस की जगह वेपर ले लीजिए. ठीक है, तो आइस वाटर एंड वेपर, तो ये कब होता है, तो आइस को जब हीट किया जाता है H फॉर हीट, ठीक है, तो आइस को जब हीट किया जाता है, आइस क्या है, सॉलिड है, आइस को जब हीट किया जाता है तो लिक्विड यानी कि वाटर बनता है. अब हीट करने का ये मतलब नहीं होता है कि हम आइस को जो है बर्तन में डाल दें, ठीक है, तवा पे रख दें ऐसे हीट करें, ऐसे नहीं होता, तब तो बहुत जल्दी लिक्विड हो जाएगा. अब आइस को निकाल कर अगर बाहर में रख देंगे तो फिर वो हीट ही हो रहा है, यानी कि उसको जो टेम्परेचर मिलना चाहिए जमने के लिए या फिर उसको बने रहने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो तो मिलेगा नहीं उसको बाहर में, उसको तो वो सिर्फ और सिर्फ रेफ्रिजरेटर में मिलेगा. तो उसको बने रहने के लिए टेम्परेचर मिलेगा नहीं, तो इसका मतलब वो हीट हो रहा है. अगर पिघल रहा है तो हीट हो रहा है तो फिर वो वाटर में चेंज हो गया, आइस जो है वाटर में चेंज हो गया, तो वाटर क्या है, लिक्विड है. और जैसे इस लिक्विड को हीट करते हैं तो फिर वो गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है, यानी कि वेपर एवेपोरेट हो जाता है, वेपर बनकर एवेपोरेट हो जाता है ना. जैसे ही हम लोग वाटर को हीट करते हैं तो फिर वैसे ही ये एवोपरेट हो जाता है, ठीक है, ये वेपर बन जाता है, ये लिक्विड जो है वाटर ये वेपर बन जाता है. और जैसे ही हम लोग वेपर को कूल करते हैं, ठीक है, वेपर को कूल करते हैं तो फिर वो लिक्विड में चेंज होता है, ठीक है. वेपर को जब गैस को कूल करते हैं, ठीक है, वेपर को जब कूल करते हैं
एक्सट्रीमली टेम्परेचर पे, ठीक है, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे टेम्परेचर पे, एक बहुत ही कूलिंग टेम्परेचर पे अगर हम लोग उसको कूल करते हैं तो फिर वो लिक्विड में चेंज होता है, ठीक है, फिर वो लिक्विड में चेंज होता है। फिर वो जैसे ही हम लोग कूल करते हैं तो फिर वो लाइक ऐसे ही होगा, ठीक है, जैसे ही हम लोग उसको चेंज करते हैं, कूल करते हैं तो फिर वो लिक्विड में चेंज होता है। आप ऑक्सीजन को भी कूल करेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा बहुत ही कम टेम्परेचर पर जाकर माइनस में बहुत जाकर आप उसको जब कूल करेंगे तो फिर वो लिक्विड फॉर्म में वाटर में चेंज होगा, और जैसे ही फिर उसको उस लिक्विड को जैसे ही उस लिक्विड को आप कूल करेंगे, जैसे इस वाटर को लिक्विड को कूल करेंगे, वाटर क्या लिक्विड है, कूल करेंगे तो फिर वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप भाप को कूल करेंगे, ठीक है, भाप को कूल करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो वाटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही वाटर को कूल करेंगे तो फिर वो आइस में चेंज हो जाएगा। मेकिंग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉलिड्स डिसॉल्व इन लिक्विड्स, लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। टेक अ ग्लास, सॉल्यूशन कैसे बनता है तो ऐसे ही ओरली बता दे रहे हैं, ठीक है, बिना एक्टिविटीज को देखे हुए। तो देखिए, जब आप चीनी को, ठीक है, जब आप किसी सब्सटेंस को जिसकी क्वांटिटी कम है उसको किसी दूसरे सब्सटेंस में जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है उसमें घोलते हैं, तब जो फॉर्म होता है, ठीक है, जिस चीज़ का निर्माण होता है उसको हम लोग सोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि आप एक चम्मच या दो चम्मच शुगर लें और एक ग्लास पानी में उसको घोलें, ठीक है, तो वो सारा चीनी गायब हो गया, तो वो कहाँ गया, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस था उसको वो जाकर फिल किया, ठीक है, उसको वो जाकर फिल किया और बन गया क्या, शरबत, ठीक है, यानी कि बन गया सॉल्यूशन। देयर आर मेनी सॉलिड्स विच डिसॉल्व इजली इन वाटर और लिक्विड और अदर लिक्विड, बहुत सारे ऐसे सॉलिड हैं जो वाटर में या फिर अदर लिक्विड में बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। द सॉलिड दैट डिजॉल्व्स इन वाटर इज कॉल्ड सॉल्यूट, द सॉलिड दैट डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड द सॉल्यूट, जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं उसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। द सॉल्यूट में बी अ सॉलिड लिक्विड और गैस, सॉल्यूट आपका सॉलिड लिक्विड और गैस भी हो सकता है। द लिक्विड इन विच द सॉलिड इज डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट, सॉलिड जिस लिक्विड में जिस सब्सटेंस में घुलता है उसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट, ठीक है, एंड द मिक्सचर दैट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड सॉल्यूशन, और जो मिक्सचर तैयार होता है उसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। इन एक्टिविटी टू द शुगर इज द सॉल्यूट, जैसे ही हम लोग देखें कि शुगर को, ठीक है, वाटर के साथ मिक्स किया गया तो सॉल्यूशन तैयार हुआ, ठीक है, तो सॉल्यूशन तैयार हुआ। शुगर को जैसे ही वाटर के साथ मिक्स किए तो सॉल्यूशन तैयार हुआ, शुगर कम होगा इसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूट, ठीक है, SOLUT इसको बोलेंगे सॉल्यूट, और शुगर को जिसमें मिक्स किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट, और जो तैयार होगा उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन। तो ये तीन चीज होता है, ठीक है, ये दो चीज को जैसे हम लोग कंबाइन करते हैं तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे, कल हम लोग रिवाइज करेंगे और ऑब्जेक्टिव्स को बनाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।